सो गाइस ये वीडियो ना सिर्फ और सिर्फ गेमर्स लोगों के लिए होने वाला है। अभी मजा आएगा ना वीडियो। जो लोग स्मार्टफोन में गेम खेलना चाहते हैं ना, बड़े बड़े गेम लाइक पबजी, फ्री फायर, ये सारे गेम ना, वो चाहते कि यार मेरा स्मार्टफोन हिट ना हो, या फिर यार वो चाहते कि हम एक ऐसे स्मार्टफोन को बाय करें जिसमें यार प्रोसेसर काफी ज्यादा तगड़ा दिया, ताकि ना गेमिंग एक्सपीरियंस अच्छा मिल सके, गेमिंग स्मूथ प्ले हो सके। एंड यार इसके साथ साथ में ना कैमरा वालों के लिए काफी ज्यादा अच्छा होने वाला ये स्मार्टफोन भी कहो, जिसमें आप 4K को 60 FPS तक वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। बैक कैमरे से तो कर ही सकते हैं यार, इसके साथ में फ्रंट कैमरे से भी कर सकते हैं। हाई कैपेसिटी में चार्जर भी दिया गया है और डिस्प्ले तो फिंगरप्रिंट पे दे रखा है। फीचर्स के लिए स्मार्टफोन को बोलना ही नहीं है, बिकॉज उसमें फीचर्स काफी भर भर के दिया गया है। इस प्राइस अंडर ज्यादा नहीं रहने वाला है, 20,000 के लगभग में रहने वाला है। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना अगर आप लोग बेस्ट कैमरा वाले स्मार्टफोन लेना चाहते हैं या फिर बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन लेना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, हमेशा से मैं टिंकू एंड हमारे चैनल मास्टर मिस्टर टिंकू में आपका स्वागत है। इन्फिनिक्स 030 5G, यार अब आप लोग में कई सारे लोग कमेंट करेंगे कि यार इन्फिनिक्स का स्मार्टफोन कब से गेमिंग स्मार्टफोन बन गया एंड कैमरा के लिए, क्योंकि ये स्मार्टफोन तो पहले काफी ज्यादा हिट होता था। बट यार हम बता दें कि पहले जैसे इन्फिनिक्स अब नहीं रहा है, बिकॉज यार पहले जो इन्फिनिक्स वाले स्मार्टफोन आते थे ना वो काफी ज्यादा हिट होते थे, बट उसमें काफी ज्यादा नॉर्मल प्रोसेसर को यूज किया जाता था, रैम स्टोरेज भी काफी ज्यादा कम दिए जाते थे। बट अब के जो इन्फिनिक्स स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं ना वो काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में यार, और गेमिंग के लिए तो काफी ज्यादा बेस्ट होने वाला है, बिकॉज ना इसमें प्रोसेसर काफी ज्यादा तगड़ा वाला दिया गया है एंड कैमरा क्वालिटीज काफी ज्यादा हाई क्वालिटीज में यूज किया गया है। डिजाइनिंग की बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज्यादा मींस अट्रैक्टिव डिजाइनिंग दिया गया है, पंच होल डिस्प्ले पे यहाँ पे कैमरा दे दिया गया है, काफी ज्यादा बेस्ट है। बैक साइड की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से कैमरा क्वालिटीज एंड LED फ्लैश यहाँ पे दिया गया है। इसके साथ में काफी ज्यादा स्लिम डिजाइनिंग देखने को मिल जाता है। अगर बात की जाए ना डिजाइनिंग ओवरऑल तो काफी ज्यादा बेस्ट लग रहा है मुझे। अगर प्राइस पॉइंट की बात की जाए 21,000 999, यार देखो 22,000 इसका प्राइस पॉइंट रखा गया। अगर डिजाइनिंग के लिए बात की जाए तो इस प्राइस पॉइंट में मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी स्मार्टफोन इसे डिजाइनिंग में टक्कर दे सकता है, बिकॉज इसका डिजाइनिंग ना ओवरऑल बात की जाए तो काफी ज्यादा बेस्ट निकल कर आता है। डिजाइनिंग की हम बात की जाए तो 5.5 रेटिंग देना चाहते हैं। 6.78 इंच के साथ फुल HD प्लस 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यार देखो यहाँ पे ना काफी ज्यादा बड़ा डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, इसके साथ साथ में ना AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। यार यहाँ पे देख सकते 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले जो कि अट्रैक्टिव लग रहा है मुझे। डिस्प्ले इसका काफी ज्यादा बेस्ट दिया गया इस प्राइस पॉइंट में, डिस्प्ले में भी कोई अदर स्मार्टफोन की बात की जाए तो टक्कर नहीं दे सकते। साथ में फ्लैशिव डिस्प्ले विद गोरिल्ला ग्लास V5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, ये भी काफी ज्यादा बेस्ट होता है यार, देना चाहिए आपके स्मार्टफोन में, बिकॉज ना स्मार्टफोन काफी ज्यादा जल्दी टूट फूट जाते हैं यार, तो इसका डर बना रहता है। MediaTek Dimensity 8020 का यहाँ पे 5G प्रोसेसर यूज किया गया है जो कि काफी ज्यादा बेस्ट है। इसके साथ साथ में यहाँ पे 6nm का टेक्नोलॉजी का यहाँ पे प्रोसेसर का चिप को यूज किया गया है, तो समझ ही सकते हैं 6nm का चिप डाला गया है तो काफी ज्यादा बेस्ट होने वाला। MediaTek का एक हाई परफॉर्मेंस देने वाला प्रोसेसर को यूज किया गया है Dimensity 8020 का, तो यार ये प्रोसेसर ना गेमिंग के लिए काफी ज्यादा बेस्ट होता है और काफी ज्यादा स्मार्टफोन में लाइक यूज भी किया गया, बट स्मार्टफोन थोड़ा सा महंगे होते हैं, बट इस स्मार्टफोन की बात की जाए तो ये थोड़ा सा सस्ता आता है और ये प्रोसेसर को यूज किया गया तो गेमर्स के लिए काफी ज्यादा बेस्ट होने वाला है। 8GB रैम 256GB के यहाँ पे स्टोरेज देखने को मिल जाता है, 8GB रैम 256GB का स्टोरेज देखने को मिल जाता है जो काफी ज्यादा बढ़िया है। देखो स्टोरेज भी काफी ज्यादा हाई कैपेसिटी दिया गया, बड़ा दिया गया, जिससे क्या होगा इस फोन का स्टोरेज जल्दी से फुल नहीं होगा, जिसके कारण होगा क्या ये स्मार्टफोन में हीटिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा और इसके साथ साथ में हैंगिंग का भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। रैम तो 8GB दे दिया गया जो काफी ज्यादा बढ़िया है, रैम के लिए तो नो प्रॉब्लम, यह रैम अच्छा दिया गया, स्मूथली गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। 108MP का OIS कैमरा प्लस 30MP का यहाँ पे एक और कैमरा देखने को मिलता है, प्लस 2MP का एक और कैमरा देखने को मिल जाता है। देख ही सकते हैं यार यहाँ पे ना 108MP सपोर्ट कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि अगर बात की जाए ना वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह के, कैमरे 4K को 60 FPS पर यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। यार देखो 4K को ना 60 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये काफी ज्यादा बढ़िया होने वाला है, बिकॉज ना मुझसे लग रहा था कि यार यहाँ पे ना कैमरा क्वालिटी में थोड़ा सा हार्ड वाला, बट यार काफी ज्यादा बेस्ट दिया गया है 4K को 60 FPS पर। अगर बात की जाए ना अदर स्मार्टफोन की तो 4K को आप 24 FPS तक ही रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट इसमें 60 FPS तो यार आप समझ ही सकते हैं कि वीडियोस कितना ज्यादा स्मूथली रिकॉर्ड होगा, बिकॉज ना वीडियो में अगर बात किया तो FPS का काफी ज्यादा रोल होता है, बिकॉज जितना ज्यादा FPS पर शूट कीजिएगा उतना ज्यादा स्मूथ वीडियो शूट होगा। तो यहाँ पे अगर बात की जाए इस स्मार्टफोन के तो काफी ज्यादा बेस्ट एंड काफी ज्यादा स्मूथली वीडियो शूट हो जाए। 50MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है, अगर फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो यहाँ पे 4K को 60 FPS पर शूट कर सकते हैं। फ्रंट कैमरे से ना आप 4K को 60 FPS तक शूट कर सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यार फ्रंट कैमरे को ना ज्यादातर स्मार्टफोन तो 4K वीडियो शूट भी नहीं होता है यार बहुत सारे स्मार्टफोन में, बट यहाँ पे आप लोग 4K को 60 FPS पर शूट कर सकते हैं इस स्मार्टफोन से, तो जान सकते हैं कि यार अब ना इस तरीके से प्लट करके ब्लॉगिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड यार बैक कैमरे से बनाने की भी जरूरत नहीं है, तो फ्रंट से ही आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, रील्स वगैरह शूट कर सकते हैं, बिकॉज काफी ज्यादा स्मूथ वीडियो शूट होगा फ्रंट से भी। 5G स्मार्टफोन है तो 5G सपोर्ट कर लेगा। 5000mAh का बैटरी कैपेसिटी विद 68W का चार्जर देखने को मिल जाता है। देखो यार यहाँ पे ठीक है 5000mAh का बैटरी कैपेसिटी तो दिया गया, इसके साथ में 68W का चार्जर दे दिया गया, तो यार ये स्मार्टफोन काफी ज्यादा बेस्ट होने वाला है इस प्राइस पॉइंट में, बिकॉज चार्जर भी अच्छा दिया गया। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी देखने को मिल जाता है, यार एक और भी अट्रैक्टिव लुक आ गया कि चलो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी देखने मिल जाता है, जो कि अगर आप कहीं भी अनलॉक
लॉक कीजिएगा स्मार्टफोन को तो काफी अट्रैक्टिव लगेगा, डिस्प्ले पे फिंगरप्रिंट दिया रहेगा, काफी बेस्ट होने वाला। इसके साथ साथ मेरे बात IP53 स्प्लैश प्रूफ यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि वाटर रेसिस्टेंट एंड थोड़ा बहुत डस्ट प्रूफ देखने को मिल। स्पीकर्स विद DTS यहाँ पे देखने को मिलता है, स्पीकर्स टेक्नोलॉजी भी काफी बढ़िया दिया गया, स्पीकर्स में नो प्रॉब्लम, काफी बेस्ट क्वालिटी में ऑडियो प्ले हो जाए। रहा है गेमिंग स्मार्टफोन का फीचर्स, जो कि लाइक आई होप कि आप लोगों को भी काफी अच्छा लगे, बिकॉज इतने ज्यादा इसमें फीचर्स दिए गए हैं ना, लाइक प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज, कैमरा क्वालिटीज, इसके साथ साथ में ना इसमें चार्जर को भी काफी बेस्ट ध्यान रखा गया। इसके साथ में डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी देखने को जाता है, डिस्प्ले तो ओवरऑल काफी बढ़िया रखा गया। डिजाइनिंग और बात की जाए तो अगर आप लोग ना बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आई रिकमेंडेड कि ये स्मार्टफोन आप लोगों के लिए काफी बेस्ट होने वाला है। एंड इसके साथ साथ अगर बात की जाए, आप लोग रील्स क्रिएट करते हैं या फिर इसके साथ साथ यूट्यूब वीडियोस वगैरह या फिर ब्लॉगिंग वगैरह शूट करते हैं ना, तो ये स्मार्टफोन भी आप लोगों के लिए काफी बढ़िया होने वाला है, बिकॉज इसमें कैमरा क्वालिटी काफी तगड़ा दिया गया है, क्योंकि अगर आप 4K को 60 FPS पर शूट कर सकते हैं बैक कैमरे से भी और फ्रंट कैमरे से भी, तो काफी अच्छा दिया गया। चार्जर वगैरह काफी अच्छा दिया गया, जल्द चार्ज हो जाएगा, गेमिंग खेलते खेलते अगर चार्ज खत्म हो जाता है तो यार 68 वाट का चार्जर दिया गया, तुरंत चार्ज भी हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये स्मार्टफोन भी काफी अच्छा लगा होगा, स्मार्टफोन को लेना चाहिए या फिर नहीं वो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड अगर चैनल पर नए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि स्मार्टफोन से रिलेटेड वीडियोस आप लोग मिस ना करें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, इससे मोटिवेट होकर आप लोगों को नए नए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट स्मार्टफोन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।